तू ही परमात्मा तो तेरा नाम सही के पत्थर में कीड़ा बसे तो उसकी खबर नहीं पहले किसको मनावे तो किसका लीजे नाम कि माता पिता गुरु आपना तो भजो अलख पुरुष का नाम जी पहला निवण पिता मात ने तो जिनसे रचा शरीर दूजा निवण गुरु आपने तो किया भजन बैसी श्री मोती नाथ सतगुरु मिला तो कर जोड़ निवाओ बोलो बाबा केदारनाथ जी महाराज की देखो हाथ जोड़ के सबसे बेनती है जयकार है बहुत ऊंची बरतो अगर जिस प्रकार से उदाहरण है बच्चा स्कूल में जाता है और गुरुजी हाजिरी लगाते हैं फलाना राम जय श्री राम जी श्रीमान काशी राम जी श्रीमान हरचंद जी श्री राम जी श्रीमान तो जी श्रीमान बोलता तो उसकी हाजिरी लगती है और नहीं बोलता है तो उसकी क्लास में बैठे हुए भी एब्सेंट लगती है देखो हम कितने लोग बोले हैं सत्संग दरबार में बैठे हैं और फिर भी जी श्रीमान नहीं बोल रहे हैं तो आने का फायदा क्या हमारे गुरु जी श्रीमान नहीं हो तो बोलो उस प्रभु परमात्मा को जी श्रीमान जरूर कहो ताकि हमें ये मान खाते मिला सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि है इसमें परमात्मा का भजन करके वो मुक्ति पा सकता है वरना नहीं भैंस को जी करे घर में पानी पी लो किस मरे पर मेरे खूंटा खोला तो वह पानी पीस गए या फिर बाल्टी भर के मिलना तो पीस गए इंसान स्वतंत्र है सब कुछ कर सकते बोलो केदारनाथ जी महाराज की सत में चलाए गुरु जी आया पावना चर चरण को खड़ा गुरु जी आया पावना चर चरण को खड़ा Thank you.
John.